हिजबुल्ला का गढ़ कहे जाने वाले लेबनान में दो दिनों में पेजर और वायरलेस जैसे छोटे डिवाइसों में हुए विस्फोटों ने अफरा तफरी मचा दी है। अब यहाँ के लोग इन धमाकों से उभर ही नहीं पाए थे कि इसराइल ने गुरुवार देर रात हिजबुल्ला के ठिकानों को निशाना बनाकर हवाई हमले कर दिए हैं। सेना ने बताया कि लड़ाकू विमान ने बमबारी करके उन सैकड़ों रॉकेट लॉन्चर बैरलों को नष्ट कर दिया जिन्हें इसराइल की ओर से दागा जाना था। बता दें कि हिजबुल्ला का गढ़ कहे जाने वाले लेबनान में दो दिनों में पेजर और वायरलेस जैसे छोटे डिवाइसों में हुए विस्फोटों ने अफरा तफरी मचा दी है। राजधानी बेरूत के दक्षिण उपनगरों और बेका घाटी में हुए इन विस्फोटों में हिजबुल्ला के कारिंदों सहित दर्जनों लोग मारे गए और हजारों लोग घायल हुए हैं। रक्षा और खुफिया अधिकारी मानते हैं कि इसराइल सरकार ने विस्फोट करने वाले इन उपकरणों के साथ छेड़छाड़ नहीं की, लेकिन उसने इन्हें गहरी चाल के तहत बनाया है। यह वैसा ही था जैसे यूनानी पौराणिक कथाओं में घोड़े की एक खोखली लकड़ी की मूर्ति में ट्रॉय में घुसने के लिए यूनानियों ने उसमें खुद को छिपा लिया था। इस वजह से इस हमले को ट्रोजन हॉर्स नाम दिया जा रहा है। लेबनान में मंगलवार दोपहर 3:30 बजे हिजबुल्ला कार्यकर्ताओं के पेजर बजने लगे। वे घंटियों, धुनों और भिनभिनाने की इस आवाज को अपने नेतृत्व की तरफ से आ रहा संदेश समझ सतर्क हो गए, लेकिन ये उन्हें भरमाने के लिए उनके कट्टर दुश्मन इसराइल की चाल थी। हिजबुल्ला जैसे ईरानी समर्थित समूह लंबे वक्त से उन्नत तकनीकों वाले इसराइली हमलों के लिए संवेदनशील रहा है। इसराइल के लेबनान में वरिष्ठ हिजबुल्ला कमांडो को मारने के बाद उसके नेता इस नतीजे पर पहुंचे कि यदि इसराइल उन्नत तकनीक अपना रहा था तो हिजबुल्ला निम्न तकनीक अपनाएगा। घबराए हिजबुल्ला प्रमुख नेता हसलन ने फरवरी में सार्वजनिक तौर पर सेलफोन को इसराइल का एजेंट बताते हुए अपने लोगों से सेलफोन को दफनाने लोहे के बॉक्स में डालकर बंद कर देने को कहा था। वे वर्षों से हिजबुल्ला पर पेजर में निवेश करने का दबाव बना रहे थे क्योंकि पेजर अपनी सीमित क्षमताओं के बावजूद उपयोगकर्ता की जगह नहीं बताता है। इसराइल अब फिलिस्तीनी के गाजा पट्टी में हमास के साथ साथ उसके सहयोगी हिजबुल्ला से भी युद्ध कर रहा है। पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास ने अचानक इसराइल में घुसकर हमला कर बड़ी संख्या में नरसंहार किया था। जवाबी कार्रवाई में इसराइल ने हमला किया। इस बीच लेबनान का संगठन हिजबुल्ला ने भी गत दिनों इसराइल पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया। पिछले 11 महीने से हिजबुल्ला और इसराइल के बीच जंग जैसी स्थिति है। उधर इजरायली रक्षा मंत्री ने कहा है कि यह युद्ध का प्रथम चरण है, इसके बाद अभी और चरण में युद्ध लड़ा जाएगा, हम शत्रुओं को छोड़ेंगे नहीं। खैर, लेबनान में हुए पेजर ब्लास्ट ने इसराइल और ईरान के तनाव को एक बार फिर बढ़ा दिया है। दरअसल लेबनान में ईरान के राजदूत मुज्तबा अमानी ने मंगलवार को हुए विस्फोट में घायल हुआ उसकी आंख में चोट लगने की बात सामने आई। वो फिलहाल अस्पताल में डॉक्टरों की निगरानी में है। इस मामले के बाद हिजबुल्ला ने चेतावनी देते हुए कहा है कि इसराइल को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेबनान में हुए सिलसिलेवार धमाकों में करीबन 3,000 लोग घायल हुए और 9 लोगों की मौत हुई है। हिजबुल्ला ने इसराइल की कथित कार्रवाई को भड़काऊ करार दिया है और इसका खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहने की धमकी दी है। इस घटना का जिक्र करते हुए संयुक्त राष्ट्र में ईरानी दूत ने एक पत्र में कहा है कि ईरान लेबनान में अपने दूत को निशाना बनाकर किए गए हमलों पर कार्रवाई करेगा। उन्होंने कहा है कि ईरान जवाब देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अपने अधिकारों को सुरक्षित रखता है। लेबनान और ईरान ने इजराइल को इन हमलों के लिए दोषी ठहराया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।